सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांग। तो यार डीमन एम्परर की एक और बिल्कुल नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 240। और यार शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई लोग, वीडियो लेट आने की वजह मैं आपको बता दूं, देखो इस टाइम काफी जोरों की सर्दी हो रखी है, जिसकी वजह से मेरे पे इस टाइम ठीक से बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज ही इसकी पूरी वीडियो कंप्लीट कर दूं। तो इसके लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, डूफेंग अपनी बोतल के अंदर से ब्लड वॉर्म के कीड़ों को निकालता है और उन्हें स्पेक्टर ड्रैगन के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद वो सारे कीड़े स्पेक्टर ड्रैगन की बॉडी पर फैल जाते हैं। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। डूफेंग के सारे ब्लड वॉर्म के कीड़े स्पेक्टर ड्रैगन की सारी बॉडी और उसके फेस को ऊपर चढ़ जाते हैं, साथ ही उसके शरीर में छेद करके उसकी बॉडी में घुसने लगते हैं, जिसकी वजह से स्पेक्टर ड्रैगन वहाँ पे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, जबकि वहीं पे खड़ा यान फू भी ये सब देख काफी ज्यादा हैरान होता है। उसी वक्त डूफेंग कहता है कि मैंने इन हजारों ब्लड वर्म्स को इतना बड़ा करने के लिए अपने ब्लड एसेंस को पिलाया है, लेकिन मेरा जरा सा खून आखिर इतने सारे ब्लड वर्म्स की भूख मिटाने के लिए काफी कैसे हो सकता है। इसीलिए मेरे ये ब्लड वर्म्स खून की एक एक बूंद के लिए फाइट लड़ने लगते हैं, और अब इन सारी चीजों ने मेरे इन ब्लड वर्म्स को बिल्कुल एक शातिर बना दिया है, लेकिन अब ये सब दिखाने के लिए थैंक्स टू यू मेरे ये ब्लड वर्म्स फीड करके अपना फाइनली पेट भर लेंगे। डूफेंग के इतना कहते स्पेक्टर ड्रैगन को दिखाते हैं, जिसके की फेस और आंखों के अंदर काफी सारे कीड़े भी घुस चुके होते हैं, इसीलिए स्पेक्टर ड्रैगन के फेस के ऊपर से काफी सारी जगहों से खून बहने लगता है, जिसकी वजह से स्पेक्टर ड्रैगन काफी जोरों से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी ये सब देख डूफेंग भी हंसते हुए कहता है कि अब और ये उस चीज का आधा भी नहीं है जो कि मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। मेरे इन ब्लड वर्म्स के कीड़ों के पास छोटे छोटे जबड़े हैं, मगर लेकिन वो काफी नुकीले हैं, जो कि एक आदमी के माइंड को खाने के लिए काफी ज्यादा पैसिनेट हैं। और अब अगले कुछ दिनों में तुम उस दर्द को महसूस करने लगोगे, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि उसके सामने अगर किसी आदमी के अंदर से उसका ब्लड एसेंस को भी निकाल लिया जाए तो उस आदमी का दर्द तुम्हारे इस दर्द के मुकाबले में काफी ज्यादा कम होगा। फिर डूफेंग कहता है कि अच्छी खबर ये है कि मेरे ये ब्लड वर्म्स खाना काफी धीमे धीमे खाते हैं और अपने स्वाद को पूरी तरीके से ताजा रखना पसंद करते हैं, इसलिए जब वो अपना काम करेंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे आखिरी पल तक मरने नहीं देंगे। ये सुनकर के स्पेक्टर ड्रैगन कहता है कि डूफेंग प्लीज मुझे मार डालो। डूफेंग कहता है कि तुम जल्द ही कभी नहीं मरोगे, बस तुम्हें ये मीठा और आनंद में दर्द होता रहेगा, और यही दर्द मेरे लिए काफी ज्यादा इनफ है मुझे इतना ज्यादा एंजॉय करने के लिए। फिर डूफेंग कहता है और क्या ये दर्द तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम तक तुम तड़पते रहोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे एल्डेस्ट यंग मास्टर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे उसको भागने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। डूफेंग कहता है कि चलो अब मुझे ये बताओ कि क्या अब इस टाइम हांगफू किंगटन तुम्हारा मास्टर नहीं रहा, और क्या अब भी तुम उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो, और उसकी तुलना में एक छोटा सा बदलाव और क्या हो सकता है। तभी ये सारी बातें सुनकर के स्पेक्टर ड्रैगन भी दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर कौन मास्टर, कैसा मास्टर, भाड़ में जाए ऐसा मास्टर, जाओ और जाकर के उस कमीने को मार डालो, आखिर मैं उस कमीने के लिए इतना ज्यादा कष्ट क्यों सहूं। ये सुनकर के डूफेंग भी कहता है कि तो अब चूंकि तुम उसे अपना मास्टर नहीं मानते हो, फिर तो तुमने उसका आदेश क्यों सुना और निंग को इतना ज्यादा सफरिंग यानी कि पीड़ित क्यों होने दिया। फिर डूफेंग अपनी आंखों से ब्लड वर्म्स को इशारा देते हुए स्पेक्टर ड्रैगन से कहता है कि तुम अब जागो और इन रोजेस की स्मेल को सूंघो। एक आदमी को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उसके परिणाम को भी सहन करना आना चाहिए। डूफेंग इतना कहते ही वहाँ पे स्पेक्टर ड्रैगन को और भी ज्यादा दर्द में छोड़ करके वहाँ से जाने के लिए दूसरी ओर हंसते हुए मुड़ जाता है। डूफेंग को भी वहाँ से जाता हुआ देख करके यान फू भी अपने मन में सोचने लगता है और कहता है कि सच में कभी भी स्टीवर्ट ज़ू के बदले को किसी को भी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि 7 बड़ी फैमिलीज के बच्चे भी, उन्हें भी डूफेंग को इतना ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डूफेंग के पास क्रूरता के लिए इतनी ज्यादा क्षमता है कि वो अपने सामने किसी को भी नहीं छोड़ता। यान फू के अपने मन में इतना कहते
जूफेंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे की स्पेक्टर ड्रैगन को दिखाते हैं और अब उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। उसके शरीर के अंदर से उसका ज्यादातर खून भी अब निकल चुका होता है, मगर फिर भी स्पेक्टर ड्रैगन अभी भी जिंदा होता है और वहीं पे तड़प रहा होता है। वहीं पे जूफेंग भी उसकी ओर उसको देखने के लिए वापस से आ रहा होता है। फिर जूफेंग स्पेक्टर ड्रैगन को देखता है और उसके पास बैठ करके उससे कहता है, जरा देखो अब तुम अपने आप को, अब तुम बिल्कुल एक सूखी लाश की तरह दिख रहे हो। इधर जूफेंग की आवाज सुन करके स्पेक्टर ड्रैगन भी अपनी आंखें खोलता है और जूफेंग को अपने सामने देखता है और कहता है कि जूफेंग प्लीज प्लीज अब तुम मुझे मार डालो। इधर स्पेक्टर ड्रैगन की ये बात सुनकर के जूफेंग हंसते हुए उससे कहता है कि नहीं, अभी तो केवल सिर्फ एक दिन ही बीता है, तुम्हें तो अभी इसको और भी ज्यादा एंजॉय करना है। जूफेंग के इतना कहते ही एक और दिन बीत जाता है और सेकंड डे आ जाता है। दूसरे दिन जैसे ही यानफू वहाँ पे आता है, तो आते ही यानफू जैसे स्पेक्टर ड्रैगन को देखता है तो उसे देखते ही यानफू को वहीं पे उल्टियां आने लगती है। तभी यानफू दूसरी तरफ साइड में जाकर के कहता है कि स्टीवर्ड ज़ू, इसकी तो टेंडेंस को पूरी तरीके से चबा लिया गया है, अब तो ये बिल्कुल एक सड़े हुए मीट की तरह दिख रहा है। यानफू की बात सुन जूफेंग भी कहता है कि यानफू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल हम यानी कि मेरे ये ब्लड वर्म्स इसकी हड्डियां भी कुतरना शुरू कर देंगे। फिर जूफेंग के इतना कहते ही 9 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। 9 दिनों बाद स्पेक्टर ड्रैगन के नीचे की आधी बॉडी भी पूरी तरीके से खाली गई होती है और उसकी ऐसी हालत देख योमिंग वैली के लीडर यानी कि उसके फादर भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान होते हैं कि वहीं बाहर खड़े बाकी के लोगों को भी स्पेक्टर ड्रैगन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो अपने मुंह पर हाथ भी रख लेते हैं। अभी हमें स्पेक्टर ड्रैगन की ओर भी दिखाया जाता है और उसकी हालत और भी ज्यादा बेकार हो चुकी होती है। उसकी बॉडी पर सारा मांस पूरी तरीके से सूख चुका होता है, साथ ही उसके सारे बाल भी झड़ चुके होते हैं। इस सब के बाद स्पेक्टर ड्रैगन अपनी आंखें फाड़ करके जूफेंग की ओर ही घूरने लगता है। तभी जूफेंग भी स्पेक्टर ड्रैगन के पास आता है और उसकी ओर आकर के उससे कहता है कि तो अब मुझे बताओ क्या तुम अब मरना चाहते हो। इधर स्पेक्टर ड्रैगन भी जूफेंग की ओर उम्मीद भरी आंखों से देखने लगता है। जूफेंग भी कहता है कि चलो ठीक है, अब आखिर मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करता हूँ, मगर लेकिन उससे पहले अब तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर तुम चाहो तो किंग ऑफ हेल यानी कि नर्क के राजा के साथ पंगा ले सकते हो, मगर लेकिन मेरे साथ नहीं। फिर जूफेंग इतना कहते ही अपने ब्लड वर्म्स को इशारा करता है और उन्हें जल्दी से स्पेक्टर ड्रैगन की सारी बॉडी को खाने के लिए कह देता है। जिसके बाद जूफेंग के सारे ब्लड वर्म्स स्पेक्टर ड्रैगन की पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते कुछ पल में ही स्पेक्टर ड्रैगन की सारी बॉडी को ब्लड वर्म्स स्पेक्टर ड्रैगन की सारी बॉडी को खत्म कर देते हैं। फिर स्पेक्टर ड्रैगन के मर जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पे यानफू वापस से जूफेंग के पास वो बॉक्स लेकर के आता है और उससे कहता है, स्टीवर्ड ज़ू ये लीजिए उस बॉक्स को और अगले पर्सन को चुनिए। यानफू की बात सुन जूफेंग भी कहता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमने यहाँ पे अपना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है। फिर जूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारे ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके आगे आने वाले पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।